इतना हम लोग निकाल चुके हैं और थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों सब लोग हाय करिए, हाय दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इधर अमरूद खत्म हो गया है बिल्कुल, कहीं कहीं एक 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 पीस बचा हुआ है, उसी में से तोड़ के ये लोग खा रहे हैं। और दोस्तों अभी शाम हो गया है तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, थोड़ा तालाब में काम कर लेते हैं, तालाब की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सिंघाड़ा उसमें लगा दिए हैं। तो छोटी को छोड़ के जाएंगे क्योंकि नाव एक आदमी संभालता है तो एक आदमी काम करता है, तो ये नाव संभालेंगी और हम उसमें का सफाई करेंगे और छोटी को बाबू और अर्चना खिलाएंगे। तो इसको सुला दीजिए यहाँ पे, तू चल बू। दोस्तों अर्चना बोलिए कि हमू चले, अच्छा ठीक है चलो, हाँ इसको सुता दीजिए, सो जाओ हर जो बाबू। दोस्तों देखिए इधर सुला दिए हैं और यहीं पे हैं हम लोग पास में ही, तो अगर रोएगी तो खुद हम लोग आ जाएंगे। चलिए जी चलते हैं, चलो अर्चना। देखिए दोस्तों इधर हम लोग जा रहे हैं तालाब में, ये सब साफ करना है खरपात, चलो अर्चना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नाव पे चढ़ गए हैं, अर्चना और इनकी मम्मी, और बाबू उधर खिला रहा है छोटी को वहाँ पे अमरूद के पास, और रोएगी तो। और देखिए दोस्तों ये रुक जाइए वो दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए हम सिंघाड़ा लगा दिए हैं और ये रहा सिंघाड़ा का पौधा देखिए, और वहाँ पर ले चलिए ना वो वाला दिखा दिया जाए। दोस्तों इधर चारों तरफ हम लगा दिए हैं सिंघाड़ा का पौधा, और लगाते समय दोस्तों उस दिन बारिश हो रहा था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि इधर नीचे में पानी और ऊपर से भी पानी, तो मोबाइल भीगने का डर था इसलिए नहीं दिखाए, लेकिन अभी दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये है सिंघाड़ा, और ये देखिए, रोक दीजिए, साफ रोक दीजिए, और ये देखिए दोस्तों यही है, हम लगा दिए हैं इसमें, चारों तरफ लगा दिए हैं दोस्तों, और देखिए इसका विकास कैसे हो रहा है हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि हमारा सिंघाड़ा कैसे विकास करता है, तो ये देखिए ये नया वाला पौधा निकला हुआ है इसमें से, इसके डाली में से देखिए, और एक देखिए यहाँ पे विकास किया हुआ है देख सकते हैं आप लोग, और एक यहाँ पे किया हुआ है, तो ये एक पौधे से समझ लीजिए ऐसा ऐसा हजारों बन जाएगा, 500 बन जाएगा, 200 बन जाएगा, बनता जाता है अपने आप, तो ऐसे ही विकास करता है दोस्तों। और ये जितना खर पात आप लोगों को किनारे किनारे दिख रहा है सब कुछ हम लोग साफ़ कर देंगे। अब इस समय इसलिए साफ़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें चोट लगा है, तो ये पूरा मतलब हम घायल हैं, तो अभी पानी में उतरना ठीक नहीं है, पानी में उतर के सफाई होता है, तो अभी नाव पर से जो संभव है वो हम लोग कर रहे हैं, और पानी में उतरेंगे जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा हमारा पैर, उसके बाद से उतर के इसको बढ़िया से साफ़ करेंगे और फिर सिंघाड़ा का खेती हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ले चलिए उधर, ले चलिए दोस्तों, देखिए इधर ये पूरा कर्मी है, तो इसी को हम लोग काटेंगे और निकालेंगे। दोस्तों ये उतर के पानी में उतर के ये काम होता है, तो अभी हम घाव ये ठीक नहीं हुआ इसलिए नहीं उतर रहे हैं, चोट जो लगा है सही हो जाएगा तो फिर हम उतरेंगे पानी में, उतर के सफाई करेंगे बढ़िया से, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए, अरे पापा, हाँ चलो देखिए कि वो मैं घर में बोल देगा ना, क्या कह रही है। और ये देखिए दोस्तों कैसे ये पूरा फैला हुआ है नीचे पानी में, देखिए एक खाली ना ये चलाई रहा हूँ, तो इधर से निकालेंगे। देखिए दोस्तों इतना हम निकाले हैं ये पूरा, और ये कर्मी है करती है क्या? और ये देखिए दोस्तों इधर इतना हम लोग निकाल चुके हैं और थोड़ा सा
अरे यार, अरे अर्चना गिर गए। ये देखिए दोस्तों, अरे बाप रे, गिर गया। ये देखिए दोस्तों, हम बैठे हैं उसको उठाने के लिए, जब तक गिरिएगा दोस्तों। पैर बचाते बचाते पूरा शरीर भीग गया। ये देखिए दोस्तों, इधर पैर बचा रहे थे और पूरा शरीर भीग गया। ऐसे हम किए बस चले गए उझक करके दोस्तों। ऐसे सहारा ले करके ऐसे सोचे निकाले, फिर इधर से चले गए पूरा। तो बैलेंस इस पर इधर उधर होता रहता है, देखिए ऐसे होता रहता है। दिक्कत ये है, ऐसे झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका बैलेंस नहीं बना पाए चले गए। तो दोस्तों अभी तो अब पानी में भीग ही गए हैं, तो अब सोच रहे हैं उतर ही जाए। उतर के दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए दोस्तों कितना पानी है। अभी यहाँ पे इतना पानी है हमारे तालाब में, और बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए इधर, इसमें भी सेवार होता है जिसको हम लोग निकालते हैं सिंघाड़ा में। और देखिए दोस्तों, हम तैर के दिखा रहे हैं, अर्चना तैर रहे हैं। हाँ, किधर जाए, उधर इधर दोस्तों देखिए, नाव का उस पार जा रहे हैं, दिखाइएगा उधर। दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गए, अब अर्चना के पास आएंगे। देखिए दोस्तों अभी हम आ गए यहाँ पे। अर्चना आओगी? नहीं नहीं। तो दोस्तों बचाते बचाते पूरा शरीर भीग गया, ऐसे बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गया। दोस्तों यहाँ पे इतना पानी है, अगर बारिश होगा ज़्यादा तो बढ़ भी सकता है। हाँ बोलो बाबू। अच्छा रो रही है दोस्तों, छोटी रो रही है। अब हम लोग चलेंगे, लाइए जी चलते हैं। डंटा कहाँ चला गया जी? ये रहा डंटा। यहाँ पे तो ज्यादा पानी है। देखिए दोस्तों, इधर से हम नाव पे चढ़ रहे हैं, कैसे ये दोस्तों देखिए, अब तो भीग गया पूरा। और इतना देखिए, ये पूरा लग रहा है कि कितना ज़्यादा है। कहाँ गिरा दिया जाए? उधर दोस्तों, उधर गिरा देते हैं, देखना अर्चना ठीक है। बढ़िया से दोस्तों, इधर हम लोग चारा काटने गए थे, इधर घुमा दीजिए। हाँ ये दूसरा तालाब है, तो इधर फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों देखिए इधर, हाँ और देखिए दोस्तों ये सब डालेंगे, पलट देंगे पूरा। ये कर्मी है दोस्तों जिसका हम लोग साग बनाते हैं, तो अभी साग बनाने के लायक नहीं है, पानी पी लिया है पूरी तरह से। गर्मी में छोटा छोटा रहता है तो बनाते हैं।
नाव पूरा खाली हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं घर क्योंकि छोटी रो रही है। चलाइएगा जी नाव? नहीं तो हम ही चला देते हैं। हाँ देखिए दोस्तों से निकलो। अब देखिए दोस्तों कैसे नाव को भगा रहे हैं। नीचे दिखाइए तब ना लगेगा पानी पे। इधर दिखाइए। मुड़े। हाँ देखिए दोस्तों कैसे नीचे दिखाइए ना। देखिए आ गए हम लोग इधर। दोस्तों देखिए सफाई करके हम आ गए और भीग तो गए, पैर बचा रहे थे। देखिए ये टेटनस का थोड़ा डर रहता है तो पैर बचाते बचाते ऐसे गिर गए, बैलेंस बिगड़ गया और गिर गया तो पूरा देहिये भीग गया। दोस्तों जो लोग वीडियो में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों के तरफ सिंघाड़ा होता है कि नहीं। हम लोग तो बो रहे हैं इस बार, मतलब हर बार बोते हैं, इस बार भी बो रहे हैं तो इस बार होने का संभावना कम है दोस्तों। लेकिन प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और सभी लोग बोलिए, शाम हो गया है, गुड नाइट बोल दीजिए दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों, जय जवान जय किसान दोस्तों।